हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सुमी झा एंड वेलकम टू माय चैनल वाई एन रजनी क्लासेस। गाइज, आज हम करने वाले हैं रक्षाबंधन पर 20 लाइन्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला बंधन मतलब धागा है। रक्षाबंधन हिंदुओं का एक पवित्र एवं प्रमुख त्यौहार है। रक्षाबंधन भाई बहन का सबसे अनोखा त्यौहार है। यह त्यौहार सावन या श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम की राखी बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती है, जिसके बदले भाई अपनी बहन की पूरे जीवन रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन बहनें सुबह से खाली पेट रहती हैं। वे अपने भाई को राखी बांधने के बाद ही कुछ खा सकती है। बहनें अपने भाई के लंबी आयु व कुशलता कामना करती है। राखी का त्यौहार आने से महीनों पहले ही राखियां बाज़ार में मिलने व बिकने लगती है। इस दिन बाज़ारों में राखी और मिठाइयों की दुकानों पर काफ़ी भीड़ होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार प्राचीन काल से समस्त भारत में बहुत खुशी और स्नेहपूर्वक प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन को राखी नाम के साथ साथ श्रावणी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इस दिन देवी देवताओं को राखी बांधते हैं तथा खीर और सेवइयों का प्रसाद चढ़ाते हैं। भारत में यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं। रक्षाबंधन के दिन लोग अपने पेड़ों, मशीनों, गाड़ियों आदि पर राखियां बांधते हैं, जिससे उनका प्यार बरकरार रहता है। वैसे तो राखी के दिन लोग रेशम की राखी से लेकर सोने की राखी तक बांधते हैं। दिल्ली में रक्षाबंधन के दिन हर साल बसों, मेट्रो आदि का किराया नहीं लिया जाता है। भाई से दूर होने पर बहनें अपने भाई के लिए राखी पोस्ट करती है। भाई बहन के पवित्र बंधन को दर्शाने वाला यह त्यौहार हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस बार रक्षाबंधन 15 अगस्त के बहुत नज़दीक है, तो एक राखी उनके लिए भी रख लेना थाली में, जिन्होंने बलिदान दिया है भारत की रखवाली में। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।